नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। अब रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर पंजाब के धूरी से है। धूरी में भी किसान विरोधी कानून के खिलाफ किसान जत्थेबंदियों की तरफ से जो 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, उसी को देखते हुए पंजाब स्टेट बिजली बोर्ड आढ़ती एसोसिएशन धूरी व्यापार मंडल धूरी और अलग अलग जथेबंदियों की तरफ से सबका समर्थन करते हुए पूरे शहर को बंद किया गया था। व्यापार मंडल की तरफ से पूर्ण सहयोग मिला और पूरा बाजार बंद किया गया। वहीं 11 से 3 बजे तक हाईवे भी बंद पड़े थे। जिन्नी भी सपोर्ट होगी असं करा कि जी सा देश की आर्थिकता है ये कारपोरेट घराणे के हाथों में केंद्र सरकार देन जा रही है इनू बिल्कुल। खबर बिहार के किशनगंज से है। भारत बंद का असर किशनगंज जिले के कई हिस्सों में भी देखा गया। बताया जा रहा है कि कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया और नेशनल हाईवे 31 में घंटों जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक इजराहुल हुसैन सरकार द्वारा निर्धारित धान की कीमतों पर आपत्ति जताते हुए न्यूनतम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल की बात कही है। MSP मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस जो रेट का फिक्सेशन किया गया है ये बिल्कुल नामुनासिब है। धान का रेट दिया गया 1868 रुपया, ये बिल्कुल जो लागत है उससे भी कम। खबर दिल्ली से है। दिल्ली आंदोलन किसान बिल के संबंध में राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ तहसील गाडरवारा के द्वारा भारत बंद का समर्थन करते हुए नगर रैली निकालकर SDM को माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें उपस्थित राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के संभाग अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं समस्त ग्राम इकाइयों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समस्या को लेकर समस्याएं किसानों की चल रही हैं, मूल्य को लेकर, न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसको लेकर, ये सारी व्यवस्थाओं को लेकर आज आंदोलन किया। लगभग कहाँ कहाँ से लोग आए समर्थन समर्थन में? इसमें गाडरवारा तहसील के समस्त ग्राम से। खबर MP के राजगढ़ से है। राजगढ़ जिले में शासन की हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की श्रृंखला में सारंगपुर विकासखंड के ग्राम संडावता में प्रथम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का शुभारंभ स्थानीय सांसद रूडमल नागर के अतिथि और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद रूडमल नागर ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का सहयोगात्मक रूप सभी ग्रामवासी लाभ लें। उन्होंने कहा कि सेंटर में जो भी कमी होगी उसे दूर करने का प्रयास किए जाएंगे और सेंट्रल को अधिक सुविधा युक्त बनाया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने महिलाओं से कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को देखें, यहां पर सामान्य प्रसव की सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। हम सब लोग सुन रहे हैं और ये संधावता क्षेत्र की बहुत ही सख्त आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि एक बार हम 5 दिन डिलीवरी नहीं होती, डिलीवरी तो किसी भी समय हो सकती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये दोनों यहाँ पर हमेशा रहेंगे। भारत सरकार का ये कॉन्सेप्ट है कि जो सब सेंटर्स को हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पे डेवलप किया है। खबर MP के पवई से है। जिले की एकमात्र खेल एकेडमी संस्था यूस ने पवई सहित ग्रामीण अंचल की खेल प्रतिभाओं को निखारने का संकल्प लिया है। एकेडमी के चेयरमैन और सुंदरा राजे बुंदोला ने बताया कि खेल पवई के तत्वावधान में सुप्रशिक्षित कोच के द्वारा यहां की प्रतिभाओं को तलाशने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि SDM पवई से अनुमति ले ली गई है तथा शीघ्र ही स्थानीय छात्रसाल स्टेडियम में खेले गतिविधियां प्रारंभ की जाएगी। इस मिशन में प्रमुख रूप से बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा का विशेष प्रशिक्षण चलाए जाएंगे। खेल अकेडमी के द्वारा खेल प्रशिक्षण दिए जाने हैं, सूचना SDM को दिया गया है, क्या कैसा खेल का विषय है बताएं जी। हम उसको खेल संघ लेके आए हैं, इसको हमने रजिस्टर कराया। कोरोना का काल चल रहा है तो कोरोना हेतु शासन द्वारा जो भी दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन करते हुए बच्चों के लिए इसे हेतु प्रशिक्षित करना चाहते हैं। खबर MP के राजगढ़ से है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को सादगीपूर्वक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिवस मनाया। प्रशासकीय अस्पताल में मरीजों का फल एवं कंबल बांटे। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा ईसाई एवं मरीजों के साथ मिलकर केक काटा और सोनिया गांधी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर डॉक्टर मोहित नागर और डॉक्टर KN भिलवारू, भेरूलाल पाटीदार, शाहिद आदि कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित। खबर पंजाब
के धूरी से है, जहां लगभग 68 दिन से किसान विरोधी बिल को लेकर ये धरना लगातार जारी है। किसान संघर्ष करते आ रहे हैं और 26 तारीख को किसान जथेबंदियों ने मोदी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं। बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपना संघर्ष चला रहे हैं, मगर सरकार है कि मानने का नाम नहीं ले रही और कई किसान ऐसे भी हैं जो इस संघर्ष में शहीद हो गए हैं। अगर देखा जाए तो अब ये संघर्ष सियासी रूप लेते हुए नजर आ रहा है। वहीं इस धरने को लेकर पॉलिटिक्स होने लगी है और हर पार्टी 2022 की वोटों को लेकर चल रही है, मगर इस संघर्ष को अब सारे संसार ने समर्थन दे दिया है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो इस संघर्ष को ना झेलते हुए शहीदी प्राप्त कर गए हैं। शाम को हॉस्पिटल भी जाने की कोशिश करी पर 10 बजे करीब शाम को चढ़ाई करी। अच्छा, इन हालत के उत्ते जो दिल्ली किसान बैठे ने हौसले वजह उन्होंने की संदेश देना चाहते? असी यह एक शहीदी नहीं, 3 महीनों तो लैके साढ़े बहुत नौजवानों दी बजुर्गों दी बीमार होने करके उन्होंने घर वापस लेके आए तो दूजे दिन उन्होंने शेरपुर आके मौत हो गई। वो कह रहे थे भी सरकार दी हदायतों मुताबक भी वह किसान मतलब जो धरने च मर जाता है किसान मतलब सरकार पंजाब सरकार हमेशा मुआवजा देती है भी सामने। उसे दिल्ली धरने के गया उत्थे इन्हों ने दसन मुताबक वह उत्थे बीमार हो गया, बीमार तो बाद उन्हें वापस लिया जी घर की मौत हो गई है। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जहाँ दवदरजी में आज नौजवानों द्वारा किसानों के लिए डीजल का लंगर लगाकर मिसाल कायम की। नौजवानों का कहना है कि दिल्ली में धरने पर बैठे किसानों को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है और यहां से दिल्ली जाने के लिए किसानों को डीजल की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने डीजल की लंगर लगाई कि किसान अपनी गाड़ियों में डीजल डलवा कर दिल्ली जाए और इस जंग में जीत हासिल करे। मेरा नाम जोत सिंह समरा जी, मजीठा हल्के तो मैं असं दिल्ली गए थे पिछले हफ्ते, अं 5-4 दिन उत्थे किसानों के नाल जिहड़ा धरने च रह के आए हैं कि उत्थे किसी चीज़ की कोई थोड़ नहीं है, बहुत परमात्मा की कृपा आ कि उत्थे संगत भी बहुत आ, तो शकन छकाउण वाले भी तो लंगर लाउण वाले भी बहुत आ। जरा इन्नी उत्थे कृपा जी किसी तरह की उसे मतलब लंगर पानी का होर प्रबंध पूरा जी फुल, पर यह भी चलो इन संगत का मेन जाना जरूरी सी उत्थे जी। अं सोचा भी क्यों ना यहाँ डीजल का लंगर जाया जाए, क्योंकि ट्रालियाँ ट्रैक्टरों में जो डीजल पाया जाए तो इतों संगत जी माझे तो उत्थे जाए। खबर पंजाब के अमृतसर से है, जत्थेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने किसानों की हिमायत करते हुए किसानों के संघर्ष को जायज़ बताया। उन्होंने कहा कि खालिस्तानी का किसान संघर्ष से कोई वास्ता नहीं है और ये किसानों का हक है जिसे लेने के लिए उन्हें धरना लगाना पड़ता रहा। प्रवान ना होन व्यापारियों कानून प्रवान ना होन किसानों वो प्रव कानून जेडे आपके हित के ना लगते हो अजिहे कानून जेडे बनाने मैं समझदा कि बहुत मंदभागी गल है, नहीं बनाने चाहिए। इन्हां कानूनां नूं पास करन तो पहलां किसान धिरां दे नाल खेतीबाड़ी माहरां दे नाल सरकार नूं विचार करना चाहिए सी। बने रहे देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए नवतेज डिजिटल के साथ, नमस्कार।